पुराने दौर में कई ऐसे मशहूर टीवी एक्टर्स रहे जो अपनी एक मुस्कान से दर्शकों के दिलों में बस जाते थे। ऐसे ही एक्ट्रेस में से एक संजीवनी में डॉक्टर का किरदार निभाने वाले डॉक्टर ओमी जोशी भी थे, जिनको लोग संजीत बेदी के नाम से जानते हैं। संजीवनी टीवी का वो शो है जो डॉक्टर्स की कहानी पर आधारित इंटर्न्स और उनकी जिंदगी की कश्मकश को दिखाता था। डॉक्टर ओमी जोशी के किरदार ने इस शो में ऐसी जान डाल दी कि लोग इन्हें देखने के लिए यह शो देखा करते थे। मगर क्या आपको पता है कि आपके डॉक्टर ओमी के साथ असल जिंदगी में क्या हुआ था? सिर्फ 38 साल की उम्र में इनका इतना दर्दनाक अंत हुआ जिसे जानकर आपकी आंखें भर जाएंगी। संजीवनी का डॉक्टर ओमी यानी संजीत बेदी एक हंसता खेलता किरदार सिर्फ टीवी शो में ही नहीं बल्कि हकीकत में भी वो ऐसे ही थे। संजीत दिल्ली के थे। 8 मई 1970 को वो पैदा हुए थे। दिल्ली के बंगाली मार्केट में एक छोटा सा घर हुआ करता था। यहाँ वो अपनी माँ मोहनी बेदी और बहन मंदिरा के साथ रहा करते थे। संजीत बचपन से ही मिलनसार थे, हमेशा दोस्तों से घिरे रहने वाले थे। पढ़ाई लिखाई में तो संजीत का मन ज्यादा नहीं लगता था, मगर उनका एक शौक था एक्टिंग करने का। वो बचपन से ही एक्टर बनने का सपना देखते थे। बेटा पढ़ता लिखता नहीं था तो माँ को उसके भविष्य की चिंता होती थी। माँ मोहनी जब भी उनको टोकती तो बस उनको जादू की झप्पी देकर खिसक लेते। वैसे माँ को उनके लंबे बाल रखने का शौक भी पसंद नहीं था। संजीत नाटकों में भाग लिया करते और अभिनय करते। स्कूल के दोस्त उनको मॉडल बनने को कहा करते। संजीत भी लंबे चौड़े थे और चेहरा भी अच्छा था, सो स्कूल खत्म होते ही उन्होंने दो काम किए। पहला थिएटर ज्वाइन कर लिया और दूसरा मॉडलिंग करने की कोशिश करने लगे। उनको मॉडलिंग के काम मिलने भी लग गए और थिएटर में एक्टिंग भी अच्छी चलने लगी। अब बताते हैं उनकी किस्मत कैसे खुले। थिएटर को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना चुके संजीत का एक नाटक हो रहा था। इस नाटक को होस्ट करने के दौरान एक टीवी चैनल वालों की नजर उन पर पड़ी। इनके परफॉर्म को देखकर चैनल वाले इतने प्रभावित हो गए कि उनको अपने चैनल पर वीजे की जॉब ऑफर कर दी। फिर संजीत मुंबई आ गए और करीब 4 साल तक वीडियो जॉकी बनकर लोगों का भरपूर मनोरंजन करते रहे। उस दौर के टॉप 3 वीजे में इनका नाम भी आने लगा। लेकिन अभी किस्मत में तो बहुत आगे जाना लिखा था। साल 2002 की बात है। एक चैनल नए डॉक्टरों की जिंदगी की चुनौतियों पर लव लाइफ को लेकर एक शो बनाने जा रहा था। संजीवनी शो ऑन एयर हो चुका था, मगर शो मेकर्स को एक किरदार चाहिए था जिसको एड्स की बीमारी होती है, लेकिन वो किरदार बहुत जिंदा दिल होता है। ऐसे ही जिंदा दिल दिखने वाले लड़के की तलाश हो रही थी कि अचानक मेकर्स की नजर विजय संजीत पर पड़ी। संजीत हमेशा से एक्टर ही बनना चाहते थे। उनको शो की ओर से कॉल गया तो वो ऑडिशन देने पहुंच गए। थिएटर करने वाले विजय संजीत के लिए ऑडिशन निकालना कौन सी बड़ी बात थी। बस हो गया उनका सिलेक्शन और पहली बार डॉक्टर ओमी का किरदार संजीवनी सीरियल में लाया गया। ऐसे लगा जैसे सब उनके ही आने का इंतजार कर रहे थे। संजीत ने अपनी जिंदा दिल एक्टिंग से ऐसा समा बांधा कि लोग दूसरे किरदारों को भूलकर उनको ही पसंद करने लगे। संजीवनी का मतलब डॉक्टर ओमी हो गया। लोग इनको नाम से नहीं बल्कि ओमी कहकर ही पहचानने लगे। वैसे इसी दौरान वो एक और सीरियल मान में भी नजर आए थे। डॉक्टर ओमी के किरदार से हिट हो चुके संजीत को अब काम की कोई कमी नहीं रही। टीवी के मशहूर चेहरों में उनका नाम भी आ चुका था। साल 2004 में इनको एक साथ 2 टीवी शो मिल गए, कोई जाने ना, जिसमें ये कृष्णा राजवंश के रोल में नजर आए, तो दूसरा साथियां प्यार का नया एहसास शो में आर्यन ओबेरॉय बने। इनकी एक्टिंग से प्रभावित होकर उनको उस दौर के सबसे मशहूर शो में काम करने का ऑफर भी आ गया। ये ऑफर बालाजी टेलीफिल्म से आया था। शो का नाम था कसौटी जिंदगी की, जिसमें श्वेता तिवारी लीड रोल में थी। इस शो में उनको एक वकील महेश बजाज की भूमिका मिली थी। इस रोल को इन्होंने ऐसा निभाया कि बालाजी से एक और ऑफर आ गया। शो था क्या होगा निम्मो का। इसमें विक्रांत बने संजीत ने खूब वाहवाही बटोरी थी। इसके बाद कभी आहट तो कभी जाने क्या बात हुई जैसे बड़े सीरियलों में भी काम करते हुए नजर आए। संजीत कुछ ही समय में टीवी की दुनिया में बड़े कलाकार बन चुके थे। एक्टिंग के दौरान उनकी मुलाकात रेखा भाटिया नाम की एक लड़की से हुई। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और दोनों ने शादी कर ली थी। जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही थी।
संजीत टीवी से निकलकर फिल्मों में आने की तैयारी कर रहे थे। कई बड़े प्रोजेक्ट उनके हाथ में आ चुके थे, मगर अचानक एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। संजीत बेदी 36-37 साल के रहे होंगे। वो ध्यान लगाने की विद्या सीख रहे थे, साथ ही कई एनजीओ से जुड़कर समाज सेवा भी करते थे, मगर अचानक एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई। तेज बुखार आया, शरीर टूट गया, चलना फिरना मुश्किल हो गया। डॉक्टरों ने चेक किया तो पता चला कि मलेरिया हो गया था। बड़ी मुश्किल से काफी इलाज चला, उसके बाद वो मलेरिया से ठीक हो पाए, तो कुछ समय के बाद दूसरी बीमारी ने घेर लिया। उनके शरीर के कई हिस्सों में अजीब सा इन्फेक्शन होने लगा, शरीर में छाले होने लगे, जिसने फिर से इन्हें बीमार कर दिया। अभी संजीत इसी बीमारी से जूझ रहे थे कि उन्हें सिर में दर्द होना शुरू हो गया और फिर उन्हें दिमाग की गंभीर बीमारी ने घेर लिया। तब भी समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें हुआ क्या था। कुछ ही महीनों में इस बीमारी ने भयानक रूप ले लिया और संजीत की बहुत हालत खराब होने लगी। दवाओं के सहारे जिंदगी का एक एक दिन बीत रहा था। साल 2015 का मई महीना था। उनके दिमाग में वायरस का इन्फेक्शन इतना खतरनाक हो गया कि डॉक्टरों ने उनको बचाने के लिए दिमाग के दवाओं के जरिए कुछ समय के लिए कोमा में रखने का फैसला कर लिया। एक महीने तक उनके दिमाग को कोमा में रखा गया। सबको उम्मीद थी कि वो वापस आ जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हो सका। 23 जून 2015 के दिन सिर्फ 38 साल का ये बेजोड़ टीवी अभिनेता कोमा से बाहर नहीं आ सका और उनकी मौत हो गई। इतनी कम उम्र में संजीत बेदी की मौत ने पूरे टीवी जगत को हैरान कर दिया था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस बेहतरीन एक्टर का इतनी छोटी सी उम्र में ऐसा दर्दनाक अंत हो जाएगा। ओमी अब्बास अपने चाहने वालों की यादों में ही रह गए। दोस्तों, आपको संजीत बेदी याद है या नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर याद है तो यस लिखिएगा, और अगर आपकी पुरानी यादें ताजा हुई हो तो कुछ लाइन कमेंट्स में जरूर लिखते हुए जाना। मिलता हूं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।